अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 134। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे, एक 3D चैन डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड्स, और उसकी डायमेंशंस मेरे पास दी हुई हैं, उस डायमेंशंस पे हम काम करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। ऑटो कैड को ओपन किया मैंने, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से आपको डायमेंशंस बताता चलूँ जिस पर हमने काम करना है। तो ये देखें, यहाँ पे ये डायमेंशंस दी हुई जिनके ऊपर हमने काम करना है। तो इसमें जो पहला सर्कल है, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें और लाइन जो ड्रॉ करनी है वो 20 रेडियस उसका देंगे आप। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, F7 प्रेस करता हूँ ग्रिड लाइन को ख़त्म करने के लिए और लाइन देता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए और 20 की डायमेंशन देता हूँ। सी एंटर और सर्कल में इसको दूंगा जी 6 रेडियस देता हूँ इसको, रेडियस 6। ओके एक और सर्कल डालता हूँ, सी एंटर और सेकेंड रेडियस जो है वो है जी 2.70, आई थिंक 2.70, 2.70। ओके और अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर स्पेस और इसको इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे इस कॉर्नर को कॉपी कर लेता हूँ। ओके और अब मैंने यहाँ पे काम करना है कि मैं यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करूँगा और वो जो सर्कल होगा वो है जी आपके पास टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो इसके इस टेंजेंट पे क्लिक करें, सेकंड इस टेंजेंट पे क्लिक करें और इसको रेडियस हमने कितना देना है जी, वो रेडियस आई थिंक 12। ओके 12 रेडियस दें इसको, 12 रेडियस दे दिया मैंने। ट्रिम करें यहाँ से अनवांटेड एरिया को, TR डबल एंटर और यहाँ से इसको ट्रिम कर लिया। इसको मिरर करें इस एरिया को, MI मिरर करता हूँ, MI एंटर सिलेक्ट स्पेस और यहाँ से यहाँ तक इसको मिरर कर लेता हूँ। ओके अब मैं यहाँ से इसको इस लाइन को डिलीट करूँगा और TR डबल एंटर करके मैं यहाँ से इस एरिया को ट्रिम कर लूँगा। सही है, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और वो सर्कल दूंगा मैं, इसको रेडियस दूंगा 5 एंड 2.70, 5 एंटर और एक और सर्कल देता हूँ सी एंटर और उसका रेडियस देता हूँ 2.70 एंटर। इसको कॉपी करता हूँ इस सर्कल को, सी पी एंटर सी यू एंटर स्पेस और इसको यहाँ पे जाता हूँ कॉपी करके। ओके यहाँ से इस को आप रीजन दें, रीजन या फिर आप जॉइन कमांड से इसे जोड़ दें स्पेस और ये जॉइन हो गया। अब इसको यहाँ से मैं 3D व्यू में लेके जाता हूँ, 3D व्यू में लेके आया और यहाँ से इसको आप UCS आइकन को ओरिजिन पॉइंट में ले जाएं, UCS एंटर UC एंटर एंड डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके UC एंटर एंड डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करके आप ओके कर दें। अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड की मदद से इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ और मूव करूँगा इसको टू एंटर, यहाँ से इसको मूव करूँगा और इसको जो मूव करूँगा यहाँ से तो इसको मूव करता हूँ 4, इसको मूव करूँगा 8। ओके अब यहाँ से मैं इसको 2D वायर फ्रेम की जगह मैं यहाँ पे से ये इलास्टिक में लेके जाता हूँ और ये इलास्टिक में ले जाने के बाद अब इसको फिलेट कमांड अप्लाई करेंगे, एफ एंटर आर एंटर रेडियस को मैं देता हूँ 0.3 एंटर और यहाँ से आप इसको रेडियस दें, इसके एज को आप सिलेक्ट करें क्योंकि इसमें कुछ शॉर्प कॉर्नर से बन जाते हैं, शॉर्प एज बन जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम इसको फिलेट कर देते हैं। स्पेस प्रेस करता हूँ, देखें ग्राउंड शेप सी बन गया, यहाँ से देखें तो एक अच्छी सी शेप बन गया राउंड शेप। और आप इसी को शिफ्ट को प्रेस करें और अपना माउस से स्क्रॉल बटन को प्रेस करके आप इसको मूव करें और यहाँ से फिर फिलेट कमांड अप्लाई करें, एफ एंटर रेडियस आर एंटर और 0.3 रेडियस दे दिया और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, एफ एंटर रेडियस आर एंटर 0.3 सिलेक्ट करें इसको, इसको सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ पे देखें फिलेट ये भी हो गया बॉटम से, जो एरिया फिलेट नहीं हुआ उसको आप फिलेट करने दोबारा से, एफ एंटर आर रेडियस एंटर और स्पेस स्पेस करके ये रेडियस, ओके यहाँ से ये भी हो गया। अब इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें थोड़े से ये देखें ये लाइन नीचे बनी हुई है, तो उनको मूव करता हूँ यहाँ से, सिलेक्ट करता हूँ इसको थोड़ा, मैं इसको इस साइड पर मूव करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा मूव करूँगा इस साइड पर, और यहाँ से इसको डिलीट करूँगा, और यहाँ से इसको मूव करता हूँ, और इन दोनों को डिलीट करता हूँ। ओके यहाँ तक जी हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, देखें तो अब एक काम करूँगा कि मैं एक लेयर, मैं लेयर बनाता हूँ, और लेयर के लिए यहाँ पे लेयर लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, तीन लेयर में बनाऊँगा नहीं, और वो जो लेयर में बनाऊँगा तीन लेयर बनाता हूँ यहाँ से, तीन लेयर बनाता हूँ, और लेयर को जो सेकेंड वन लेयर है उसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से, लेयर का स्टाइल कुछ चेंज सा हो गया, चले छोड़े स्टाइल तो चेंज हो गया, लेकिन लेयर वन है, लेयर टू को मैं यहां से कलर देता हूँ, एक को मैं कलर यहां से ये दे देता हूँ, और सेकेंड वन जो लेयर है उसको मैं कलर यहाँ से दूंगा, सेकेंड वन जो लेयर है उसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से, जी और लेयर कलर देता हूँ, ओके यहाँ से लेयर को क्लोज कर दें आप, और अब जो काम करना है इसको सिलेक्ट करें और इसको लेयर में कन्वर्ट करें, इसको लेयर नंबर थ्री पे कन्वर्ट करता हूँ, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसको लेयर टू में कन्वर्ट करता हूँ, टू में कन्वर्ट करता हूँ, ओके बस ये जो है ये नॉर्मल जो लेयर है उसी पे आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें इसको लेयर नंबर वन में कन्वर्ट कर दें, ओके यहाँ तक कि काम कंप्लीट हुआ। अब इस पे और काम क्या करना है, इसको अब हमने ज्वाइन करना है, जोड़ना है, असेंबल करना है, तो वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में देखते हैं तो हम कैसे करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।